देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, वहीं पर सभी लोग अपना बराबरी से सहयोग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अटल चौराहे पर, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है फेम इंडिया के संस्थापक मुकेश मिश्रा जी, जो यहां पर पुलिस कर्मियों को मास्क और खाने पीने की चीज़ें बांट रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे इसके प्रोग्राम के बारे में। जी भैया, जो आप ये मास्क वगैरह जो बांट रहे हैं, इसके प्रोग्राम के बारे में बताइए आप। जी नमस्कार सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली फेम इंडिया बहुत ही जब से लॉकडाउन हुआ तब से इस तरह के काम कर रहा है, पशुओं को खिलाना और जानवरों को खाना खिला ही रहे थे, लेकिन ये पुलिसकर्मी हमारे दिन रात धूप में खड़े रहकर हमारी सेवा करते हैं। ऐसे में इनके खाने पीने भोजन का ध्यान बहुत कम ही लोग रखते हैं। फेम इंडिया ने आगे आकर पुलिसकर्मियों को इस तरह का भोजन पानी मास्क और सभी वितरित किया है आज ये हजरतगंज चौराहे पे, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में जनता के प्रति एक प्यार और भावना जागेगी और जनता और पुलिस का एक रिश्ता बहुत अच्छे से मजबूत होगा। तो यही प्रयास था कि पुलिस और जनता के बीच रिश्ते कायम रहें, और एक छोटा सा प्रयास था मेरी तरफ, बाकी सब अच्छा है। इसके अलावा और क्या कर रहे हैं आप? इसके अलावा हम डेली अपने क्षेत्र में गाय और जानवरों को डेली खाना खिलवाते हैं, और पिकनिक स्पॉट जाके वहाँ बंदरों को भी खाना देते हैं, और जितना भी हो सकता है लॉकडाउन में गरीबों की मदद जिस तरीके से हो सकती है उस तरीके से करवाते हैं। तो अब आगे क्या प्लानिंग है और करने की? आगे प्रभु जितना मदद करेगा और जितने लोगों का सहयोग रहेगा उस हिसाब से जो ज़रूरतमंद होगा उसकी मदद की जाएगी, और जो भी हमारे पास फ़ोन कॉल आते हैं जिस प्रकार के भी लोगों की जहां तक उचित सहायता होती की जा रही है लॉकडाउन में। और मेरा सभी से निवेदन है आप सभी से कि आप सब भी आगे बढ़ चढ़ कर जो भी आपसे हो सके पूरी मदद कीजिए। जो भी हमारे आसपास गरीब दिखे, जानवर दिखे, जो भी भूखा हो, हम लोगों के रहते हुए कोई भूखा ना सोए, यही सबसे बड़ी प्रार्थना है, यही सबसे बड़ी पूजा है। इस प्रोग्राम में आपके मतलब साथ में कोई है या आप अकेले कर रहे हैं? इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे भाई कृष्ण प्रताप सिंह हैं, बाकी आप इनसे पूछिए। मेरा परिचय, मैं कृष्ण प्रताप सिंह हूँ, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर पूरा मंडल 2 से, और पिछले क्या था लगभग 50 दिनों से हम लोगों के द्वारा कम्युनिटी किचन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग डेली 450 से 500 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। मेरे साथ में पूरी युवा टीम लगी है और वहाँ पे कार्य कर रही थी। कल उसकी गोल्डन जुबली थी, 50 दिन पूरे हुए उस अवसर पे। आज जो 51वां दिन जिसे हम लोग शुभ कहते हैं, तो बीच में हम लोग हमारे थाना क्षेत्र पड़ता है कहता है गुड़म्बा, वहाँ पे हम लोगों ने कहता है वहाँ के चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज सभी को लंच पैकेट और कहता मास्क दिए थे, जो कि माननीय नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी द्वारा हम लोगों को उपलब्ध कराए गए थे। तो उसी क्रम में हमने कहता आज हजरतगंज को चुना, जो कि कहता है आप देख सकते हैं काफ़ी खुला यहाँ पे पेड़ किनारे पे हैं, और इस समय मई की जो लू भरी मौसम है इसमें कोई भी प्रकार का न पेय पदार्थ मिल पा रहा ना कुछ, इसलिए हम लोगों के लिए उपयोगी पेय पदार्थ और ड्राइस में जैसे मान लीजिए बिस्किट्स, केक्स और इस तरह के सूखे चीज़ें लाएँ, देखिए तो वो लोग अपना थोड़ा सा पेट वो कर सके, भूखे हैं और तरलता उनके अंदर बनी रहे, बस एक प्रयास है, और मास्क के द्वारा उन्हें सुरक्षा मिल सके। बस जैसा कि आपने कहा कि आप किचन के मतलब जो आपका साथ में काम कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें करवा रहे हैं लोगों को, तो इसमें आपके आपके साथ भी कोई है या आप अकेले करवा रहे हैं? मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मेरे साथ अविनाश चंद यादव जी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और विशेष कहता है साथ में हमारे अखंड प्रताप सिंह, राकेश द्विवेदी जी, अविनाश प्रताप सिंह और नवीन सिंह, इस तरह से अंशुमान सिंह, कई लोग हैं, मतलब एक टीम है हमारी लगभग 12 लोगों की, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े विचारधारा के लोग हैं, और ये किचन लगभग 50 दिन कल पूरा हुआ है। लॉकडाउन तो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे हालातों में क्या आप मतलब खाने पीने की चीज़ें बरकरार रखेंगे या बंद कर देंगे? नहीं, अभी तो हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं, 3 लॉकडाउन कल कंप्लीट हो गया है उसी के साथ, और आगे भी हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं। आपको बता दें हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी, जो कि हम लोगों से डायरेक्ट जुड़े भी हुए हैं, उनका भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। माननीय सांसद जो रक्षा मंत्री हैं हमारे भारत सरकार के, माननीय राजनाथ जी, वो भी पूर्ण सहयोग दे रहे हैं, उनके माध्यम से भी हमें राशन और बाकी ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, और ये उनका स्वयं का भी एक आग्रह है कि इस वो आप लोग कंटिन्यू रखें, जो कि हमारे संगठन का एक
संकल्प था प्रथम दिन से ही कि कोई भी हमारे क्षेत्र में, हमारे लखनऊ, हमारे प्रदेश में भूखा नहीं रहेगा। उस संकल्प को हम लोग दोहराते हुए इस कार्य में, पुनीत कार्य में लगे हैं और सभी अपनी निष्ठा से और दृढ़ संकल्प से साथ लगे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये थे मुकेश मिश्रा जी हमारे साथ, उनके सहयोगी। इन्होंने बताया कि इनका ये जो संकल्प है, ये लॉकडाउन आगे बरकरार रहेगा तो चलता रहेगा, और इन्होंने कोरोना वॉरियर्स को, पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया है मास्क और खाने पीने की चीज़ें देकर। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मनु तिवारी, Alive24 न्यूज़, लखनऊ। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।